आर्थिक अपराध इकाई की टीम के द्वारा बीती रात प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। प्रेस विज्ञप्ति में ओएसिस स्कूल में भेजे गए नीट एग्जाम सील्ड क्वेश्चन पेपर में छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने के बाद ओएसिस स्कूल के प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया कर्मियों को जानकारी प्रदान की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बीते दिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम उनके स्कूल पहुंची थी और नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच हेतु उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ये बताया कि बंद बक्से में आए शील्ड क्वेश्चन पेपर के पैकेट से प्रोफेशनल तरीके से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन पेपर के शील्ड पैकेट को नीचे से टेम्पर्ड किया गया है और चिपका दिया गया है, जो कि आम आदमी के नजर से देखने पर कुछ अलग नहीं दिखेगा। स्कूल के प्रबंधक एहसान उल हक ने यह भी बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहुंची, जहां ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के माध्यम से क्वेश्चन पेपर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन हेतु पहुंच गए थे। वहां भी पूछताछ की गई और रिसीविंग की मांग की गई, लेकिन एसबीआई के पास ब्लू डार्ट से रिसीव किए हुए रिसीविंग बरामद नहीं हुई। देखिए, एक बात क्वाइट एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर आता है 5 तारीख को, जिस दिन एग्जाम होती है, पर एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है, तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जाँच वहाँ करें। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर जो पैकेट है उससे छेड़छाड़ होगी, किस रूप में देखते हैं उसे आप? क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है, और वो 7ों लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था, उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया, और सारी चीज़ कैमरे के निगरानी में होती है, सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडहेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है, 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं, विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी आम आदमी के पकड़ से बाहर है, हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उन्होंने कई सारे केसेस देखा है, तो अभी से उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है, इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। वहीं ओएसिस स्कूल के प्रबंधक ने यह भी बताया कि हमारे स्कूल को एग्जाम शुरू होने से 15 से 30 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए गए थे, जबकि पटना में पकड़े गए अभ्यर्थियों ने यह कबूल किया है कि क्वेश्चन उन्हें एग्जाम होने से पहले ही प्राप्त हो चुके थे और रात्रि में ही रटवाए गए थे, तो उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए बताया कि तो फिर कैसे हमारे स्कूल से पेपर लीक हो सकता है, ये जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम को हम हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं, जो भी इस पूरे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में सामने आएंगे उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। हजारीबाग से राजकुमार गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।